नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डाडम में हरियाणा का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उन्होंने आज डाडम खनन जोन के उस इलाके का दौरा किया जहां 1 जनवरी को बड़ा हादसा हुआ था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा और जजपा सरकार के दौरान ताबड़तोड़ घोटाले हुए हैं, लेकिन मौजूद सरकार के दौरान डाडम में खनन के नाम पर अब तक के सबसे घोटाले को अंजाम दिया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में गांव वाले भी अपनी शिकायत लेकर हुड्डा के पास पहुंचे। गांव वालों ने सबूतों और दस्तावेजों का हवाला देते हुए डाडम खनन घोटाले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि यहां कई साल से अवैध खनन चल रहा है। गांव वालों और इलाके के समाज सेवियों ने हुड्डा को खनन माफिया के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपे। उन्होंने बताया कि खनन ठेकेदारों ने जबरदस्ती लोगों की निजी जमीनों पर भी कब्जा किया है और वहां भी गैर कानूनी खनन किया। कई जगहों पर तो नियमों के विपरीत 800 से 900 फीट तक की गहराई तक खुदाई की गई है। भिवानी से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। आई थी यहाँ सर्वे करने के लिए, पहले भी आई थी यहाँ, टेंट लगता है बीच में, उनको चाय पिलाने पिलाते हैं, सीधा निकाल देते हैं। इस बार जो एनजीटी की टीम आई थी उनको आगे सारी बातें रखी, सारा काम किया और 900 फुट अंदर खोद रखा है पहाड़। आपको इस साइड नहीं गया, अगली साइड ही दूसरे रास्ते से। वहाँ पर सिर्फ 80 फुट की मर्यादा है पहाड़ को नीचे खोदने की, शायद 80-90 फुट, 900 फुट खोद रखा है सर। एनजीटी की टीम को, अधिकारियों को मैं साथ लेकर नीचे तक तय तक जाके मैं दिखा के लाया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। नीचे से लेकर ऊपर तक इतना घपला है कि हमारे इन्वॉल्व अधिकारी हैं, हमारे यहाँ के जो सरकार है हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी रूप से इन्वॉल्व है। क्या है कि इतनी छोटी ये घटना, छोटी घटना नहीं है, उसी टाइम अमित शाह का ट्वीट आना, ये गलत नहीं है सर। इसमें नीचे से लेकर सब इन्वॉल्व है। 5,000 करोड़ का तो हम मानते ही है, छोटे से छोटा घपला 15 से 20,000 करोड़ का। मेरे पास वीडियो भी है और बाबू जी वीडियो भी है, 10% हिस्सा भी नहीं लिया जी। देखियो जी, ये ठेकेदार वाले आदमी पंचायत का पैसा भी नहीं दिया जी। हाँ जी, 3 साल से जी पलटवर के गुंडे हैं। मैंने आम आदमी पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया, मालका देखो आम आदमी पार्टी की तरफ से आवाज उठाई, गांव वालों की तरफ से आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनवाई तो नहीं जी। मेरे पीछे गाड़ी लगाई जी उन्होंने, जान से मारी धमकी दी, यही खड़े हैं जी और मारपीट करते हैं जी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।